नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई में एबीवीपी संगठन ने शासकीय महाविद्यालय के मेन गेट पर लगाया ताला। अग्निशमन यंत्र न होने पर आक्रोश जताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन द्वारा शासकीय महाविद्यालय के मेन गेट पर लगाया गया ताला। मुलताई नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम के पहले ही आज मुलताई शासकीय महाविद्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में संगठन द्वारा शासकीय महाविद्यालय के मेन गेट पर ही ताला लगा दिया गया, जिस कारण महाविद्यालय के अंदर फंसे हुए छात्र छात्राएं एवं शिक्षक गण परेशान दिखे। वहीं संगठन का कहना है कि शासकीय महाविद्यालय मुलताई में सुविधा को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और जब भी महाविद्यालय प्रशासन से सुविधा के संबंध में बात करते हैं तो वह हमारी बात नहीं सुनते हैं। संगठन ने जानकारी दी कि मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। जब प्रदर्शन के संबंध में शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती वर्षा खुराना से जानकारी ली गई तो वर्षा खुराना ने जानकारी दी कि यह जो संगठन प्रदर्शन कर रहा है यह बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है और इन्होंने बिना अनुमति के ही हमारे महाविद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया, जो कि असंवैधानिक तरीका है। वही प्राचार्य ने प्रदर्शन कर रहे संगठन के खिलाफ में मुलताई थाने में लिखित शिकायत की। वहीं प्राचार्य का कहना है कि यह जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यह हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं नहीं है। वही जब पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया और शासकीय महाविद्यालय के मेन गेट का ताला खुलवाया गया, जिसको लेकर महाविद्यालय प्रशासन ने चैन की सांस ली। संगठन के पदाधिकारी ने जानकारी दी कि छात्राओं के लिए महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और ना ही महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र की सुविधा है। जब इस संबंध में महाविद्यालय की प्राचार्य से सवाल पूछा गया तो महाविद्यालय की प्राचार्य ने जानकारी दी कि हमारे महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र भी है और छात्राओं की सुविधा के लिए भी सारी सुविधा उपलब्ध है। यह संगठन जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं यह आरोप बेबुनियाद है। संवाददाता अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।